तो फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी का एक और नया वीडियो। तो इसके अंतर्गत हम बात करने वाले भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। इसको रटना नहीं, हमें समझना है, एक एक पॉइंट को समझना, कैसे समझना है, इस पर हमें छोड़ दीजिए कि हम पे छोड़ दीजिए कि हमें कैसे आपको समझाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, ये सब अभी वीडियो देखने के अंत तक आपको पता चलेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। तो इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना है। तो कैसे बना, क्यों बना, इतना बड़ा संविधान लिखने में हमें किन किन देशों से मदद लेनी पड़ी, किन किन देशों के संविधान को पढ़ना पड़ा, तो इन सभी चीज़ों पर आज डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो बात करें यदि भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है दोस्तों, वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद हैं इस समय 395, उन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत या तो शब्दा ले लिए गए हैं, मतलब उसी तरह से उतार लिए गए हैं, या फिर उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, इसके साथ ही भारत का संविधान लिया, मतलब उठाएगा, ठीक है। 250 अनुच्छेद तो वैसे कैसे उठा लिए गए। तो ये जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, ये कहाँ से हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे हम। भारत शासन अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं इस समय, तो उसे हम थोड़ा डिटेल में बता रहे थे तो इसको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत आखिर में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए गए हैं। देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई। निम्न देश मतलब जो जो नीचे हमने दिया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका क्या आएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद मौलिक अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 7 हुआ करती थी। इस समय भारतीय संविधान में कितनी मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इन पे एक वीडियो हम नया बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वैसे एक बात बता दें कि अनुच्छेद जो 19F है और 31, इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, इसको अब विधि अधिकारी मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को। अब चलिए हम और आगे बात करते हैं, यानी इसमें और क्या किया गया, न्यायिक पुनराविलोकन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सर्वोपरि होगा, सबसे बड़ा संविधान ही होगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में बात करें दोस्तों तो केवल 7 अनुच्छेद हैं। अब यहाँ से उपराष्ट्रपति का उपबंध भी लिया गया है। उपराष्ट्रपति यानी अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, यानी मुखिया होता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति ना हो अमेरिका में, तो उसके स्थान पर उतने कार्यकाल के, जब तक उस राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा उतने कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति उसके जगह पर कार्य करता है अमेरिका में। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में कैसी व्यवस्था है कि भारत में अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को दे देता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके दौरान उपराष्ट्रपति जो होगा वो केवल 6 महीने तक उसके पद पर रहेगा और उसका कार्यभार संभालेगा। उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा 6 महीने तक। उसके बाद में एक नया चुनाव करवाया जाएगा, उसके अंतर्गत एक राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा बहुत लंबा हम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी यहीं पर थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगला है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पर किसी भी सरकार का कोई भी दबाव नहीं है, ये स्वतंत्रता उसको प्राप्त है न्यायपालिका को। अब निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति की बात आ ही गई, तो हम राष्ट्रपति के बारे में बता दें कि राष्ट्रपति अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक इनकी व्यवस्था की गई, किसकी, भारतीय संविधान में, किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति फिर महाभियोग की यदि बात करें, तो महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ये महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है हमने अपने भारत के संविधान में, तो लिया गया उच्चतम न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, यानी जैसे राष्ट्रपति जो होता है उस पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी लगाई जाती है, ठीक है। और एवं वित्तीय आपातकाल, ये सब कहाँ से लिया गया है,
यूएसए के संविधान से। देखिए वित्तीय आपातकाल जो है ये भारत में अभी तक एको बार लगा नहीं है, ठीक है, और ना लगने का चांस है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने भाप लिया कि बाई चांस यदि अपने भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़े तो संविधान में बाकायदा से लिख दें, ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया उसको, ठीक है। लेकिन कोई अभी जरूरत नहीं है, अभी तक भारत को अपने वित्तीय आपातकाल के संकट से नहीं जूझना पड़ा है, तो कोई बात नहीं, बहुत सही। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ब्रिटेन की। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से खत्म हुआ जो जो लिया गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, यानी ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड के संविधान पहले, अब इंग्लैंड पहले वाला ब्रिटेन, ठीक है। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या लगा, यहाँ से लगा संघात्मक शासन, संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। तो संसदात्मक शासन प्रणाली वो है दोस्तों, इसे ये जो संसदात्मक प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है, मैंने ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन का शासनकाल इंडिया पे था, तो इंडिया पे था तो वहीं से हम लोग रूबरू थे कि कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, किस तरह से लोकसभा राज्यसभा ऐसे जो कुछ भी वगैरह वगैरह होता है वो सब होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मतलब वो जो चलती आ रही थी वही प्रणाली, शासन प्रणाली संसदात्मक, वही प्रणाली को ले लिया गया। कहाँ से, क्योंकि इससे हम इससे सरल थे, जिसे कहा गया करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, तो वैसे ये अभ्यास के दौरान थी, तो ये सही माना गया, संविधान निर्माताओं ने माना, तो इसको ब्रिटेन के संविधान से ले लिया गया, ठीक है। एकल नागरिकता, अपने भारत की एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका की दोहरी नागरिकता है, ठीक है। आप देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन की सबसे बड़ी बहुत बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर है जापान से क्या लेगा, तो जापान से लेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, जापान से लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर की, यानी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से बात करें दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व DPSP यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं इन सब में जो है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होगा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये अपने भारत शासन में कैसे होगा। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन, यानी इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य आते हैं राज्यसभा में और 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और कुल मिलाकर के 14 सदस्य आते हैं संसद में पूरे, ठीक है। अब बात करते हैं यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वहाँ आते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया, क्यों आते हैं, कैसे कि मतलब किस लिए आते हैं, मतलब इसको काहे के लिए रखा गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसलिए यहाँ के जो मनोनयन ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ली गई दोस्तों, प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ना कि प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित है वो लिया गया, वो तो जो भारत वो नेहरू जी थे उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था वो लिया गया है, ठीक है, वो संविधान की जो है वो, लेकिन संविधान की जो भाषा है उसका विचार है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकार, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यानी राज्य सूची में कौन सा चीज आएगा और जो केंद्र सूची में, संघ सूची यानी संघ सूची में, समवर्ती सूची में क्या क्या विषय आएंगे, ये सब कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम जर्मनी के संविधान की, जर्मनी के संविधान में दोस्तों क्या क्या लिया गया, जर्मनी के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपना भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान से जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों। जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान या वाइबर संविधान के नाम से जाना जाता है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने बता दिया एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं आपातकाल जर्मनी से, तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों अधिकार संबंधी शक्तियाँ, मौलिक अधिकार जो आपातकाल होते हैं उनके समय मौलिक अधिकारों को भी बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई बाह्य आक्रमण हो गया तो आपातकाल की स्थिति जब आ जाती है अपने इंडिया में तो मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, केवल 2 अनुच्छेद बचते हैं, कौन कौन से, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20, ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सब जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 बचते हैं। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोस्तों, अब वो बात की बातें हैं, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहते। तो अनुच्छेद 20 वैसे है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है।
ये सब नहीं लेते, बाकी सारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है आपातकाल के समय में। आपातकाल पर भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये जाने कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल की स्थिति यानी आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं हम कनाडा के संविधान की, तो कनाडा के संविधान से दोस्तों लिया गया हमारा संघात्मक विशेषताएं। जी हाँ, संघात्मक विशेषताएं हमारा कनाडा के संविधान से ली गई है। तो कनाडा के संविधान से संसात्मक संघात्मक विशेषताएं एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो सबकी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक भारतीय संविधान में 103 बार संशोधन हो चुका है, इसको लेकर के 103वां संविधान संशोधन दोस्तों अभी हाल ही में हुआ। 10% सवर्ण आरक्षण, इसके ऊपर जो है वीडियो हो सकता है तो बना भी सकते हैं, अभी तो कोई चांस नहीं है, लेकिन 10% आरक्षण जो सवर्णों को मिला है वो 103वां संविधान संशोधन और 124वां विधेयक पारित हुआ है संसद में। तो दोस्तों इसके अंतर्गत वो अलग की बात है, उसको हम इस पर नहीं टॉपिक में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका से केवल ये जानिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लास्ट एवं अंतिम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है रूस। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो लिया गया है भारतीय संविधान यानी रूस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का जो है वीडियो हमने पहले से ऑलरेडी बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कैसा रहा हमारा ये वीडियो लेक्चर, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल शुक्ला HD पॉइंट को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।